स्वागत है दोस्तों, आप IAS के डेली करंट अफेयर डिस्कशन MCQ डिस्कशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मित्रों, इस प्रोग्राम में हम बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आदि सभी अखबारों के जो है विशेष जो कि करंट में न्यूज़ में है उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उन क्वेश्चंस को MCQ फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं ताकि आपकी तैयारी को जो है एक बूस्ट मिल सके। तो मित्रों, अपने और कोर्सेज की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ये सीरीज़ हमने शुरू की है, आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो मित्रों, इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए हिंदी मीडियम के लिए हम दैनिक भास्कर, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, अमर उजाला, NBT, हिंदुस्तान जनसत्ता सभी के जो विशेष संपादकीय हैं उनके विश्लेषण हम आपके लिए निःशुल्क कर रहे हैं। मित्रों, कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इनोवेटिव कोर्सेज ला सकें। मित्रों, तो आपको बता दें मित्रों, हिंदी साहित्य ऑप्शनल की वैकल्पिक सीरीज़ भी हमने शुरू की है जिसमें कि हम आपके लिए ऑप्शनल की सीरीज़ लाने वाले हैं। मित्रों, आपको ऐसे कोई भी कोर्सेज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और क्या क्या चाहिए। मित्रों, तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मित्रों, आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। Reference to Mission Organic Chain Development for North Eastern Region, consider the following statement. देखिए मित्रों, यहाँ पे एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है और यहाँ पे देखिएगा, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए, वेस्ट बंगाल आ गया, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात हो रही है और वेस्ट बंगाल आ गया। तो इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर वैल्यू चेन स्टार्टिंग फ्रॉम इनपुट सीड सर्टिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन फॉर कलेक्शन एग्रीगेशन प्रोसेसिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग इनिशिएटिव। देखिए, मिशन का नाम क्या है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देखिए, वैल्यू चेन आपको, देखिए मित्रों, यहाँ पे एम्फेसिस कितनी चीज़ों पर देना है। देखिए, ये सबसे पहला चीज़ जो है वो आपकी ये है, सबसे पहली चीज़ आपकी है कि आपको जिसमें देना है वो है मिशन वैल्यू चेन डेवलपमेंट। देखिए, वैल्यू चेन डेवलपमेंट। दूसरा आपको देना है ध्यान, वेस्ट बंगाल। अब देखिए, वैल्यू चेन डेवलपमेंट का मतलब है कि ये जो होगा किस पे, वैल्यू चेन की पूरी डेवलपमेंट में, जो कि सीड से लेके इन सब के ऊपर एम्फेसाइज करेगा। दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, तो ये जो ऑप्शन तो आपका पूरा एलिमिनेट हो गया मित्रों। देखिए, ये सेकेंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो देखिए, अगर हम सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है 1 और 3 ओनली, जो कि मेरे हिसाब से सही आंसर है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने ही शुरू की है और इसे जो है इसमें पूरा वैल्यू चेन डेवलप करना जो है वो सरकार का उद्देश्य है। तो मित्रों, इसमें आपके, देखिए, आपको आपका आंसर है 1 और 3 ओनली, ठीक है, क्योंकि हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया तो हमारा आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखने वाला था, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरी बात कि प्रोग्राम के साइलेंट फीचर क्या हैं, ये बात आपको याद रखनी है मित्रों। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये, कोई भी प्रोग्राम है तो उसमें आपको ये बातें याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उसके साइलेंट फीचर क्या है, कोई अगर इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है तो उस बॉडी का नाम रखना याद रखना है। हम ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और मेंस तक आप ज़रूर पहुँचें। तो अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसके फाइंडर पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए मित्रों, तो इसका आंसर था 1 और 3 हमने डिस्कस कर लिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर ने जो है ये स्कीम लॉन्च की है जो कि जिसका नाम है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, MOVCDNER। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन से स्टेट में होने वाला है, आसाम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ये सभी स्टेट्स में होने वाला है। तो देखिए, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सरकार का जो है लक्ष्य वो ये है कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन से जो है वैल्यू चेन मैकेनिज्म
को जो है डेवलप किया जाए और कंज्यूमर्स को जो है इससे सपोर्ट मिले, ताकि जितने भी वैल्यू चेन मैकेनिज्म है वो अगर सही होंगे तो सरकार का उद्देश्य ये है कि इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जो होगा वो बूस्टअप होगा। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बूस्ट होगा तो यानी कि गरीब और जो मध्यम वर्गीय किसान है, द मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास इनकम ऑफ द पीपल हु आर डूइंग एग्रीकल्चर, दे विल बी बेनिफिटेड लार्जली, बिकॉज अल्टीमेटली द एग्रीकल्चर सफर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाई चेन मैकेनिज्म। इसके लिए नीति आयोग की मित्रों एक रिपोर्ट भी आई हुई थी जिसमें नीति आयोग ने कहा था कि 77% ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ वैल्यू चेन मैकेनिज्म। अब ये सप्लाई चेन मैकेनिज्म मित्रों आप क्या है इसको इस तरीके से समझे, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे प्रोडक्शन किया, यहाँ पे आपने बनाया रॉ मटेरियल, यानी कि आपने बनाया टमाटर, आपने टमाटर पैदा किया और यहाँ पे फैक्ट्री है जिसमें टमाटर से बनता है क्या, सॉस बनता है, किसान केचप बनता है, तो और यहाँ से ये होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये बनाने की जगह से आपके यहाँ पहुँचाने तक के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है। आपने अगर प्रोडक्शन कर लिया तो प्रोडक्शन से लेके आपकी जो ये यहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर से लेके आपकी जो ये आउटलेट तक जाने की है, यहाँ पर से आपकी जो है प्रॉपर सप्लाई चेन मैकेनिज्म नहीं है। तो ये देखिए मित्रों, ये जो फॉरवर्ड लिंकेजेस नहीं है तो इसकी वजह से इंडियन एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा है। तो एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की यहाँ पे बात की गई है कि आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जो है फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है लैक कर रहे हैं। तो मित्रों मुझे पूरी आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, विच एमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन क्लास इलेक्टर्स एलिजिबल फॉर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट इन इंडिया। तो मित्रों इसमें सर्विस वोटर है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि सिस्टम इन इंडिया, देख लीजिए मित्रों। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें यह है कि वाइफ ऑफ सर्विस वोटर हु इज ऑलरेडी रिसाइड्स इन इंडिया। दूसरा है ओवरसीज वोटर, इसके आंसर क्या क्या है, 1, 2, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो मित्रों देखिए ये अभी अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी अभी जो है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकसभा के जो रिसेंट चुनाव हुए हैं उसमें रिकॉर्ड 10,000 से ऊपर जो है पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया गया था, इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो ये डिफरेंट सोर्सेस को हम कवर कर रहे हैं, आपका पास्ट का करंट भी हम कवर कर रहे हैं। तो मित्रों आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका करंट जो है आप IAS के साथ आप सिक्योर हैं, आप IAS बनने के लिए आपको जो है कोई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आपको प्रीवियस करंट भी हम कवर करा रहे हैं। तो मित्रों आप इसके देखिए कि ये इसमें क्या सही आंसर होगा, इसमें सही आंसर जानने के लिए देखिए सर्विस वोटर तो आपका होगा ही होगा, दूसरा क्या है वाइफ ऑफ सर्विस वोटर। देखिए अगर सर्विस वोटर है जो मतलब कहीं बाहर सर्विस दे रहा है, आर्मी मैन है, उसकी कोई पत्नी है, तो वो पत्नी भी तो अपने आप इसमें आ जाएगी ना मित्रों। और ओवरसीज़ वोटर, देखिए ओवरसीज़ वोटर की जो बात की गई है उसके ऊपर हमें क्या देखना है कि ओवरसीज़ वोटर भी इसमें आते हैं मित्रों। ओवरसीज़ वोटर कैसे आते हैं, ये OCI कार्ड्स होते हैं, इनके ज़रिए जो होते हैं ये भी वोट कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों इसका आंसर क्या है, क्लास इलेक्टर्स इसका आंसर 1, 2 एंड 3 है, जैसे मैंने आपको बोला कि तीनों हैं, तो इसका आंसर आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्लास ऑफ इलेक्टर्स हु आर एलिजिबल फॉर ETPVS, तो इसके लिए देखिए कौन कौन एलिजिबल हैं, सर्विस वोटर हैं अदर देन प्रॉक्सी वोटर। प्रॉक्सी वोटर का अर्थ ये है मित्रों कि अभी बात हो रही थी कि सर्विस वोटर में मतलब कि हाँ, जैसे कि मान लीजिए ए आदमी है और ये वोट नहीं डाल पा रहा है, तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बी व्यक्ति है उसको अपॉइंट कर देगा कि आप मेरी जगह पे जो है आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सी में जो है आप जाके वोट कर सकते हैं। समझे कि प्रॉक्सी वोटर कौन है, प्रॉक्सी मतलब ही दिखा रहा है कि फर्जी, मतलब फर्जी इन द सेंस द पर्सन इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट देयर बट ही इज वोट सम अनदर पर्सन इज वोटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी सी। सो आपको मुझे लगता है कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी वोटर का समझ में आ गया होगा मित्रों। तो देखिए ये क्या है, अब इस पे बात करते हैं कि
EPDS developed by Election Commission of India help center CDEC को जो है इसने हेल्प किया है टू यूज सर्विस वोटर. इट इज़ फुली सिक्योर्ड, ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है मित्रों, और इसमें जो है टू लेयर्स सिक्योरिटी मेंटेन की गई है क्योंकि बहुत सारे प्राइवेसी के इश्यूज होते हैं. अभी आधार जजमेंट में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन शुड बी मेंटेन. जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट थी इसके ऊपर, डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर, कि व्यक्ति की जो डाटा सीक्रेसी है उसको वो मेंटेन किया जाना चाहिए. और मित्रों ये तो वोट की बात है, इसमें सिक्योरिटी तो काफ़ी ज़रूरी है ना मित्रों. तो इसमें देखिए OTP पिन और इसके डुप्लीकेशन की तो कोई चांसेस ही नहीं है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये QR कोड से इनक्रिप्टेड है, तो ये जो बैलेट है ये पूरी तरीके से सिक्योर है. तो ये आपको बिल्कुल भी कंसर्न लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो है ये डाटा प्राइवेसी और इनका जो है इशू इस ईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफरेबल वोट जो है इनका पोस्टल बैलेट सिस्टम के ज़रिए वो जो है वो किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है. अगर कोई क्वेश्चन भी आता है इसमें गलती से ये लिख मत दीजिएगा, क्योंकि तो सरकार ने ये बात कहा है कि ये फुली सिक्योर सिस्टम है. आप इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि OTP और डुप्लीकेशन इसमें नहीं हो सकता मित्रों. तो पर्सन वर्किंग इन पैरामिलिट्री फोर्सेज, मिलिट्री फोर्सेज, डिप्लोमेटिक मिशंस आउटसाइड इंडिया आर क्लासिफाइड एज सर्विस वोटर. सर्विस वोटर की डेफिनेशन आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं मित्रों कि जो है ये सर्विस वोटर क्या है. देखिए सर्विस वोटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पैरामिलिट्री फोर्सेज और गवर्नमेंट ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक पोजीशन में जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं वो सर्विस वोटर हैं. तो मित्रों अब देखिए ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि लोकसभा के पोल में 10,000 में बोल रहा था मित्रों, आंकड़ा जो है 18,264 जो है एलिजिबल पर्सन हैं. इनमें से वोट करने आए 10,000 वोटर्स के करीब. तो मित्रों आप देख सकते हैं कितने, देखिए मेरा आंकड़ा बिल्कुल सही था, जिन्होंने वोट किया था मैं वो आंकड़ा बता रहा था, और इतने एलिजिबल वोटर्स में थे ईटी PBS सिस्टम में जो है ई बैलेट्स का जो है इस्तेमाल किया गया था. मगर मित्रों इस क्वेश्चन के अलावा देखिए और क्या क्वेश्चन बन जाता है. द टर्म ETPBS रिसेंटली इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो मित्रों इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ. ए गगनयान प्रोजेक्ट, बी मिशन ऑफ इसरो, सी आ रिसेंट इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय नीति आयोग टू हैव पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, और डी इसका ऑप्शन हो गया कि इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम इन विच अ पर्सन कैन वोट थ्रू पोस्टल बैलेट्स. तो मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना सही कर रहे हैं. तो विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी आज इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि कोई भी पार्लियामेंट की डेमोक्रेसी जो होती है वो, क्योंकि इतनी बड़ी संसद है तो इतनी बड़ी संसद जो है हर एक बिल पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर सकती है. तो मान लीजिए ये संसद है तो ये क्या करती है, पार्लियामेंट्री कमेटी बना देती है, 5-7 लोगों की जो है कमेटी बना देती है. तो क्या होता है, कोई भी बिल जो होता है इन कमेटी के पास आता है, जो 5-7 मेंबर की कमेटी होती है वो मान लीजिए ये डिपार्टमेंट है तो इनके सारा डाटा ले के एनालाइज करके ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट में देती है. तो पार्लियामेंट्री कमेटी का ये काम है कि वो डिटेल डिस्कशन करके जो है इस बिल को जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करे, और ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के बाद जो ये कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन जो है वो मानना ना मानना ये पार्लियामेंट की अपनी विवेक पर डिपेंड करता है. तो देखिए इट कमिटीज आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पार्लियामेंट फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग. देखिए ये बात तो सही हो जाएगी. कमेटी मीटिंग्स आर बाउंड बाय पार्टी व्हिप. देखिए मित्रों थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट लग रहा है कि पार्टी व्हिप से अगर आप डेमोक्रेसी की आप उसकी बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की स्पिरिट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पार्टी नहीं आती, वहाँ नेशन सबसे पहले आता है. अगर नेशन सबसे पहले आता है तो मित्रों ये क्वेश्चन, ये बी ऑप्शन जो आपका वो गलत हो जाता है. और पार्लियामेंट्री कमेटी ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देखिए ये भी थोड़ा सा गलत हो जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो है स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है वो जो है पावर जो है डिराइव करते हैं, बिल्कुल करते हैं. तो इसमें देखिए मित्रों क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है एक्सप्लिसिटली मेंशनड है, और थोड़ा बहुत जो है इम्प्लिसिटली मेंशनड भी है कि यह जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर भी है। इसके अंदर देखिए, मैं जो सोच रहा था कि ये प्रोसीजर्स, रूल एंड प्रोसीजर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके अंतर्गत भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि संसद के अंदर आपको कैसे बात करना है, कैसे आपको देखना है, तो उसके अंतर्गत आपको जो है वो आपको ये करना होता है। मित्रों देखिए, इसका हम क्या क्या क्वेश्चन हमारे एलिमिनेट हो गए, ये एलिमिनेट हो गया, तो इसमें आपका क्या बचा, वन को आप अगर एलिमिनेट कर दें तो आपका आपका ऑप्शन बचा टू एंड थ्री। देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना था, अगर आपको खाली पहला वाला क्वेश्चन भी पता होता कि ये सही है, तो देखिए वन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू एंड थ्री ओनली। देखिए आपको पता चल गया पार्लियामेंट की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए। अब देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं, पार्लियामेंट इस तो ये पीपल की विल के अकॉर्डिंग काम करती है, पार्लियामेंट की ओन फंक्शनिंग के लिए काम करती है, ये क्लोज डोर पार्लियामेंट और विच अलाउज। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि जो क्लोज डोर सेशंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि वो विप से बाउंड ना हो, और पार्टी के हट के भी अगर उनकी कोई राय है तो वो दे सके। तो ये पार्लियामेंट्री जो कमेटी है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से, आर्टिकल 105 ये याद रख लीजिए मिट्टियों मित्रों, और आर्टिकल 118 से ये जो है, देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, रूल्स पार्लियामेंट अथॉरिटी टू मेक्स रूल्स एंड प्रोसीजर टू कंडक्ट ओन बिजनेस, तो ये आर्टिकल 105 जो कि पार्लियामेंट के मेंबर से रिलेटेड है, आर्टिकल 118 जो पार्लियामेंट की अथॉरिटी से रिलेटेड है, ये आपको याद करना है मित्रों। तो इसमें ये देखिए मित्रों, ये इस बार ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो 22 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे उनमें से जो है पास हुए थे, उनमें से मुश्किल से कुछ ही बिल जो है स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट के मतलब जो है पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजे गए थे, जिस पर अपोजिशन ने बहुत ही बड़ा हल्ला भी किया था। तो मित्रों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, रामानुजन मशीन के बारे में। तो ये क्या है, क्या ये सुपर कंप्यूटर है, क्या ये डिवाइस है जो डिफ्रेंसीबल पीपल्स के लिए है, क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय टेरी है, और एल्गोरिथम है। देखिए सुपर कंप्यूटर तो नहीं है, देखिए रामानुजन से आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, तो ये देखिए ये पहला तो नहीं है, ये डिफरेंटली एडेड पर्सन के लिए भी नहीं है, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो ये मशीन यूज़ नहीं हो सकती, तो बचा क्या डी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि अभी अभी जो है ये एल्गोरिथम जो है वो डेवलप की गई है, किसके द्वारा डेवलप की गई है, देखिए मित्रों तेचिनन के द्वारा डेवलप की गई है, इसराइल के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है इंस्टीट्यूट, उसने ये जो है रामानुजन मशीन जो है वो डेवलप की है मित्रों। कहीं पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो मित्रों उसमें ज़्यादा हेजिटेट मत कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा वो दिख रहा है। देखिए लर्निंग जोन जो कि आपके मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ रियली अ मशीन बट नॉट अ एल्गोरिथम। देखिए मित्रों, तो ये अनकन्वेंशनल फंक्शन के लिए काम करती है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जिस जो कि हमारे भारत के जो वो हैं रामानुजन हैं उनके नाम पे रखा गया है। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है उसमें जो है सम फ्रैक्शन ऐड किया जाता है, इन जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने के लिए वो किया जाता है मित्रों। तो आप सागर मैत्री के बारे में जानते हैं कि सागर मैत्री, ये अगला क्वेश्चन आ गया, सागर मैत्री क्या है, व्हाट इज़ सागर मैत्री। तो ये इनिशिएटिव बाय DRDO है, या ये प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सागर मैत्री इज डाटा कलेक्शन फ्रॉम एंटायर नॉर्थ इंडियन ओशन। तो देखिए सागर मैत्री बहुत न्यूज़ में है मित्रों, सागर मैत्री के अंतर्गत क्या है मित्रों, देखिए सागर मैत्री जो है वो DRDO का एक विशेष रूप से जो है एम्बिशियस प्रोग्राम में है, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो स्कीम मतलब ऑब्जेक्टिव है कि सेफ्टी एंड ग्रोथ इन ऑल इन रीजन सागर, यानी कि सेफ्टी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, पूरे रीजन के लिए जो है सेफ्टी, जो कि सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल एस्पेक्ट में जो है ग्रेटर साइंटिफिक रिसर्च को जो है बढ़ावा दे इंडियन ओशन रीजन। देखिए इंडियन ओशन रीजन से जो है भारत का जो है
भारत का क्या पूरे विश्व का जो है 70% ट्रेड जाता है मित्रों, तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसे हम बोलते हैं वो हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है सागर मैत्री प्रोजेक्ट जो है सरकार ने हमारी जो है लॉन्च किया है, ताकि जो डाटा कलेक्शन है नॉर्थ इंडियन ओशन में अंडमान सी को और जो एडजोइनिंग सीज को लेके फोकस है तो वो काम कर सके मित्रों। तो देखिए अब RTI से रिलेटेड ही आज का आखिरी क्वेश्चन है कि पब्लिक अथॉरिटी आप किसे कहेंगे। देखिए अभी सरकार ने जो है अमेंडमेंट किया है मगर वो पब्लिक अथॉरिटी में उससे रिलेटेड कुछ नहीं है। सेक्शन 13 और सेक्शन 3A वगैरह में जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें सैलरी वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन था उसमें जो है 13, 14 और 16 आर्टिकल में जो है उसके RTI एक्ट के जो है अमेंडमेंट किया गया है। तो मित्रों उसमें कहीं भी RTI में पब्लिक अथॉरिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, और कई से अपोजिशंस ने जो है इसको RTI एलिमिनेशन बिल भी कहा था। मगर मित्रों आपको जो है सकारात्मक बात करनी है, आप एक UPSC एस्पायरेंट है तो इसको जब भी आंसर लिखें बैलेंस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। तो देखिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ये तो होगी ही होगी, ऑल NGO का है मित्रों, ऑल NGO नहीं आ सकती, क्योंकि इसको लेके जो केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें एक जजमेंट दिया था कि BCCI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस था मित्रों। उसके अंतर्गत क्या था, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि BCCI जो है इज़ नॉट फंडेड बाय द स्टेट सो इट इज़ नॉट स्टेट, मतलब जो BCCI है उसे कहीं से सरकार फंड नहीं करती तो वो सरकार फंड की उसकी डेफिनेशन में नहीं आता स्टेट की। तो देखिए मित्रों ये मेरे हिसाब से NGO तो ऑल NGO तो नहीं होगा, एंटिटीज फाइनेंस्ड बाय फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए एक एक मित्र गवर्नमेंट के पैसा कहाँ से आता है, पीपल ऑफ इंडिया से आता है, और ये पीपल RTI का बेसिक उद्देश्य क्या है कि अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश हो, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो है RTI आई है। तो मतलब गवर्नमेंट का पैसा यानी कि हमारा पैसा, हमारा पैसा मतलब कि अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी मतलब ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, एंटिटी फाइनेंस्ड बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहाँ से आते हैं, वो भी पब्लिक के पैसे से आते हैं जैसा कि नाम ही है, तो ये अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो आप 2 को एलिमिनेट कर दीजिए तो आंसर बचता है आपका 1, 3 एंड 4 ओनली। तो मित्रों इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए मित्रों ये बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर था। तो पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड बॉडीज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, दीज इंक्लूड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, और इसमें क्या क्या और आ सकते हैं मित्रों, जो भी पब्लिक सेक्टर जो है फाइनेंस किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अभी जो है सरकार ने पब्लिक अथॉरिटी को जो है मतलब सरकार ने अमेंडमेंट किया है, और यह इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जो है RTI एक्ट जो होता है वो मैंडेट करता है इन सभी लोगों को कि ये डिस्क्लोजर करें इंफॉर्मेशन का, ये इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है, ऑन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन स्ट्रक्चर पावर ड्यूटीज़ और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो आज का मित्रों आज का सेशन बस समाप्त तो होता है मित्रों। तो मित्रों हमारे चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मित्रों आपकी तैयारी में देखिए हम कितना अच्छा आपकी मदद कर रहे हैं, आपको पूरा जड़ से लेके जो फड़ तक होता है यानी कि जो हम कहते हैं कि फ्रॉम द बेस टू द टॉप वी आर हेल्पिंग यू टू अचीव योर गोल दैट इज़ UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम, उसके लिए हम आपको कितनी अच्छी मदद कर रहे हैं। देखिए मित्रों ये आपका UPSC का एक हमने लोगो लिया हुआ है, तो आपको हम ये अचीव करने के लिए एक IAS बनने के लिए हम आपको कितना शेयर कर रहे हैं, कितना मदद कर रहे हैं मित्रों। तो एक शेयर एक लाइक एक कमेंट आपका जो है हमें मोटिवेट करता है, यू मोटिवेट अस टू डू मोर वेल। और आपको अगर ये सीरीज़ जिस भी तरीके से चाहिए, इसमें जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि हम ये सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखें। और अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहे हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं मित्रों उनको ज़रूर देखें, हिंदी साहित्य ऑप्शनल की सीरीज़ आने वाली है, ज्योग्राफी की सीरीज़ है, बिजनेस स्टैंडर्ड लाइव मिल्टन की जो है डिस्कशन आने वाला है, और ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की सीरीज़ है। तो मित्रों बने रहिए आप IAS के साथ, हम आपके लिए ऐसे ही क्वालिटी